उड़ीसा के ऊपर हम जब पीएम और दोनों डीसीएम मिले थे निर्मला सीतारमण जी को, वो बोले थे कि देर इज द लॉट ऑफ स्कोप्स इन उड़ीसा एंड वी विल ट्राई टू डू इट, लेकिन वो करके दिखाया है जो बोले थे। और उड़ीसा की अभिवृद्धि के लिए टूरिज्म इज द प्राइम सेक्टर, यहाँ पे कोस्टल हाईवे भी है 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, और वाइल्ड लाइफ भी है, लैंडस्केप भी है, सीनरीज भी है। यहाँ पे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के भी सेंटर है, प्रिमिटिव ट्राइब्स कल्चर के लिए भी है, हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स के लिए की एक ये प्रकृति की अपरूप से भरा हुआ है उड़ीसा। इसको निखारने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जो भूमिका निभाई है, हम उड़ीसा की तरफ से उनका साधुवाद करते हैं। देखिए उड़ीसा इज द स्टेट फुल ऑफ माने ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ पे समुद्र तट भी है, हिल्स भी हैं, लैंडस्केप भी है, कल्चर भी है, ट्राइब्स भी हैं, और हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स भी भरी हुई हैं। तो उड़ीसा के आज तक ये जो 24 साल की सरकार थी, उसके उनके हिसाब से ही वो डेवलप किए हैं, नेचर के हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो आज उड़ीसा की अभिवृद्धि के लिए टूरिज्म ही सेक्टर है। अगर टूरिज्म को डेवलप कराएंगे तो हमारी स्टेट की अभिवृद्धि होगी, और उड़ीसा को हम 3 नंबर की स्टेट में पहुंचाने के लिए हमने संकल्प पत्र में दिए थे, और टूरिज्म पहले दिन से ही वो काम कर रही है। और आज जो माननीय अर्थमंत्री ने जिस जिस दिशा में टूरिज्म को हेल्प करने के लिए माने आज हमको हम आश्वस्त हैं कि उड़ीसा की विकास द्रुत गति से बढ़ेगी। डबल इंजन का फायदा मिलेगा? मिल रही है, मतलब उड़ीसा की टूरिज्म में पहले जितने उन प्लान्स नहीं था, हम लोग ने थोड़ी से जो भेजे थे बजट के लिए कि हमारी यहाँ 800 करोड़ के थे, तो वहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर ने बताया था जितना मांगोगे इतना मिलेगा। आज अर्थमंत्री की ये बोलने से ये श्योर हो गया कि उड़ीसा के लिए डबल इंजन का भरपूर फायदा होगा। चिलिका सबसे बड़ा झील है इंडिया में, तो चिलिका झील के विकास के लिए देखिए, चिलिका के पास हमारी पास डेवलप करने के लिए बर्ड सेंचुरी भी है, और इतना बड़ा अच्छा लेक, वहाँ पे क्रूज भी चल रही है। लेकिन गत सरकार ने कुछ के ट्रायल किए थे और सब कुछ बंद पड़ा है। इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक ही साथ सब टूरिज्म प्लेस को डेवलप करेंगे, और जितने भी फाइल उन लोगों ने रोक के दिए थे और जितने को अपने लोगों के बीच में बांट दिए थे, ये सबको फ्रेश टेंडर करके उड़ीसा टूरिज्म को एक न्यू डायमेंशन देने के लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।